ये वीडियो निश्चित तौर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिए गए एसटीईटी का एग्जामिनेशन 2019 के तौर पे है। इसमें हम बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन लिया गया था यानी 2020 में, पहले तो एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया कुछ कारण बता करके, वो तो झूठा कारण था। फिलहाल दोबारा से एग्जामिनेशन लिया गया, उसके बावजूद भी उसमें मैथ का जो क्वेश्चन था उसका लेवल इस तरीके से पूछा गया, मनमौजी ढंग से पूछा गया, जो 10 तारीख और 11 तारीख दोनों ही डेट में जो एग्जामिनेशन हुआ मैथमेटिक्स का, तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे पेपर वन का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें इतने खराब क्वेश्चन पूछे गए। पहली बात तो आपने सिलेबस नहीं जारी किया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सिलेबस नहीं जारी किया गया। उसके बाद मनमौजी ढंग से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जेई मेन्स आईआईटी लेवल के थे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे गए। कोई औचित्य नहीं बनता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सिलेबस जारी करके क्वेश्चन पूछते तो एक बात होती, लेकिन आपने क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा कि कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से हो गया, मतलब हतोत्साहित हो गया। इसके बाद सारे स्टूडेंट मिल करके एक यूनियन बनाए और एक केस फाइल कर दिया गया है, जो एसटीईटी का एग्जामिनेशन लिया गया था 2020 में 10 सितंबर और 11 सितंबर को, दोनों ही डेट में जो एग्जामिनेशन था उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लेकर के केस फाइल कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट में। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, सारे कुछ आपको देखने को यहाँ मिल रहे होंगे कि जहाँ देख सकते हैं आपका केस नंबर शो हो रहा है, और इसमें जो केस किया गया है किस मैटर पे केस किया गया, यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन स्कूल SER को लेकर के किया गया है, यानी कि सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल हैं उस पर किया गया है। और इसके जो पेटिशनर एडवोकेट है यहाँ देख सकते हैं अभिनव श्रीवास्तव जी हैं, और ये केस बहुत ही तगड़ा केस किया गया है, जिसके माध्यम से आप निश्चित तौर पे जान सकते हैं। यहाँ पे ये पेटिशनर का आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे पेटिशनर हैं, लगभग यहाँ देख सकते हैं, लगभग क्या मैं बताऊँ, एग्जैक्ट बताता हूँ, 35 यानी 35 पेटिशनर है, 35 आदमी के द्वारा इस केस को किया गया है बेहद ही जोरदार तरीके से। और ये केस फाइल इस तरीके से किया गया है, यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं किस किस व्यक्ति पर केस किया गया है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्स, यहाँ पर डायरेक्टर जो कि हायर एजुकेशन पटना बिहार के हैं, यहाँ देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना थ्रू इट्स सेक्रेटरी चेयरमैन आनंद कुमार पर भी किया गया है, सेक्रेटरी पर भी किया गया है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, इन सारे व्यक्तियों पर केस किया गया है इस तरीके की धोखाधड़ी करने के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को साथ जो अन्याय हुआ है इसका आप सही मायने में देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ देने के लिए आप निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जो इन्होंने आगे बढ़ के इस मसला को उठाया है, इनका साथ दीजिए, सत्य प्रकाश जी का साथ दीजिए, और सारे बच्चों के साथ न्याय हो इसकी मांग करने के लिए। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनका मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन 10 और 11 सितंबर को हुआ था 2020 में, तो ये बात यहाँ से निकल गया केस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्शन के तौर पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन किस किस तरीके से लगाया गया, हाफ ही डिबेट दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बावजूद केस को फाइल कर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं ये डेट भी आज का डेट है और लिस्टिंग डेट यही आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही देर में वीडियो अपलोड होने के कुछ देर के बाद यानी शाम तक निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे, आज शाम नहीं तो कल निश्चित रूप से यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। हेयरिंग डेट भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 अक्टूबर 2020 है, ये सारे अपडेट यहाँ पर कर दिए जाएंगे, आप पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर देख सकते हैं निश्चित रूप से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।